Hey guys, good morning, welcome back to my another blog. आज है दिवाली, सभी को हैप्पी दिवाली। मेरा अभी गुड मॉर्निंग हुआ है गर्म चाय के साथ। चलिए फिलहाल वायरिंग का कुछ सामान बच चुका था उसको वापस करके आते हैं, फिर अभी जाएंगे मार्केट। फिलहाल चलिए काम निपटाते हैं, पहले कालिस्तान चलते हैं। फिलहाल अभी हम लोग वायरिंग का कुछ सामान बच चुका था, जा रहे हैं वापस करने। चलिए पहले कालिस्तान वापस करते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे। अभी माहौल कुछ गजब है कालिस्तान का। यहाँ पे सामान अभी वापस हो रहा है हम लोग का, और यहाँ पे देखिए दिवाली का पूरा रुकिया सब जो होता है छोटा छोटा लड़ी बिक रहा है यहाँ पे। कालिस्तान से सामान सब वापस करके आए हुए घर। घर में पूरा दिवाली जो है पूरा छत सब को थोड़ा सा साफ करना, पानी से धोना है और सीढ़ी सब भी साफ करेंगे। चलिए पहले काम निपटाते हैं। पूरा छत सब धो दिए हैं, यहाँ पे भी धो दिए हैं। तो रात में जो दिवाली है तो इसके लिए जो दीप जलेगा, जो तो दिखाते हैं आपको। ये देखिए मेरी दादी यहाँ दीप बना रही है, जिसके गांव में हम लोग डिबिया बोलते हैं। कि इसी में क्रासन तेल डालेंगे और इधर से जलेगा ये, जो पहले पुराने जमाने में जो लोग यूज करते थे वही अभी भी यहाँ पे चलता है गांव में, दिया जाएगा सब जगह पे, दिखाएंगे आपको। तो चलिए फिलहाल अभी जा रहे हैं हम लोग खेत। खेत में ये जो हुक्का पत्ती आप देख रहे हैं ये खेत में भी दिया जाता है, हम लोग के गाँव में सब लोग देता है। हम लोग को भी जा रहे हैं अभी फिलहाल हम देने। अच्छा बोले कि तुम्हें दे आओ, हम थोड़ा सा काम ठीक जा लेते, तभी जा रहे हैं देने। चलिए दिखाते हैं खेत, ये जो इसी तरह से बनाया जाता है इसको हुक्का पाती बोलते हैं गांव में। चलिए अब दिखाते हैं खेत में पानी है अभी, इसमें मछली भी होगा। तो चलिए अभी देखिए, ये देखिए अपना खेत है, यही रास्ता है, यही खेत है, अभी पानी है इसमें। इसमें मछली भी काफी ज्यादा रहता है, दिखेगा नहीं अभी ताकि नीचे होगा अंदर के साइड। चलिए इसको यहीं पे लगा देते हैं, लगा दिए यहाँ, यहीं से अपना खेत है वहाँ तक पूरा पानी है अभी। चलिए अब चलते हैं फिलहाल घर और दिखाते हैं आपको कैसे बनाया जाता है इसको। चलिए दिखाते हैं अब आपको कैसे बनता है। चलिए राइट पहुँचते हैं। तो इसमें 7 गो सन थी और देखिए यहाँ पे बन रहा है, रात में इसका काम आएगा। इसे बन के ये इस प्रकार से ये रेडी हो चुका है बन के, इस फिलहाल से बनता है। फिलहाल जा रहे हैं इसको बना के बाड़ी में देना, 2 मंदिर में। तो चलिए पहले बाड़ी चलते हैं। तो ये अपना बाड़ी है जहाँ पे हम लोग पार्टी किए थे, यहाँ पे एक ठो रख दिए और ये 2 मंदिर चल रहे। फिलहाल मंदिर आ चुके हैं हम, दुर्गा मंदिर में देखते देते बिसहरी मंदिर में। चलिए पहले मंदिर में, यही मंदिर में देना है ये संगठी। ये एक दुर्गा जी को अर्पण करते हुए देखिए, यही मंदिर हम लोग का दुर्गा मंदिर है, पहले से काफी बढ़िया मूर्ति पहले नहीं बना हुआ था तो बना हुआ है अभी। ये बिसहरी मंदिर में एक डालते हैं, ये है बिसहरी मंदिर। अब चलिए एक तो बिसहरी मंदिर में दे देते हैं। देखिए इधर हाल फिलहाल में लगा हुआ है टाइल्स इसमें, ये देखिए बिसहरी मंदिर है, बिसहरी माँ का मूर्ति है ये। ये रख दिए, सभी लोग देता है यहाँ पे, और ये एक यहाँ पे मूर्ति बना हुआ है, सब हाल ही फिलहाल में बना हुआ है, काफी बढ़िया लग रहा है देखने में। चलिए अब चलते हैं घर, दिखा दिया हम क्या होता है, अब रात में दिखाएंगे। हो चुका है शाम और हम आ चुके हैं कैंची लेके। आप सोच रहे हैं कैंची से क्या करना है, कैंची से दीप का ये जो बड़ा बड़ा जो है मुंह निकला हुआ है सबको छोटा छोटा करना है। अभी इसको दीप को जो है एक वहां पे लगाना है, एक वहां पे पूरा दीप देना है, फिर पहले दे देते हैं फिर हम आपसे मिलते हैं। वहां एक दी है, एक वहां, वहां पे पूरा दीप लगाए, रात में दिखेगा जब जलाएंगे अभी। तो सबसे पहले तो अभी फिलहाल हमको जाना है कुर्सेला, तो चलिए अभी चलेंगे कुर्सेला, फिर आपसे मिलते हैं हम डायरेक्ट कुर्सेला में। तो फिलहाल अभी आए हुए हैं कुर्सेला, छोटू भैया को लेने ये कटिहार से आ रहे हैं। तो चलिए फिलहाल घर पहुंचते हैं पहले अभी। फिलहाल जैसे कि आप देखिए अभी जस्ट कुर्सेला से आए हुए हैं, तो पूरा माहौल अभी दिवाली का ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे गाँव में माहौल। अभी फिलहाल जो है दीप को जलाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं हम। तो गाइस फाइनली हो चुका है रात और हम लोग जला दिए हैं दीप, आपको दिखाते हैं दीप। ये देखिए यहाँ पे जलाए हुए हैं, यहाँ पे जलाए हुए हैं, और देखिए यहाँ पे पूरा छत पे दीप जलाए हुए हैं और प्लस लाइट भी लगा हुआ है। तो क्या गजब का माहौल है यहाँ पे, देखिए जो दीप लगाए हुए थे वहाँ जला दिए हैं। तो ये देखिए कुछ हमारे मोहल्ले का ये सीन है, काफी गजब लग रहा है, काफी बेहतरीन, देखिए गजब का है। ये अपना कैंडल छोटा सा, यहाँ पे कैंडल बोला जाता है इसको, रात में पहले तो बनाया जाता था, अब तो सब रेडीमेड मिलता है। क्या गजब लग रहा है पूरा मोहल्ला। चलिए चलते हैं नीचे और दिखाते हैं कैसे खेला जाता है हुक्का पाती हम लोग में। तो 7 बजे के बाद खेला जाएगा हुक्का पाती, तो दिखाएंगे, बने रहिएगा हमारे इस छोटे से ब्लॉग में। मैं प्रिंस मिश्रा आपका
दोस्त भाई जो भी समझिए, चलिए अभी दिखाते हैं। ये है गांव का लाइसेंसी हथियार। तो देखिए हमारे काले चाचा यहाँ पे छोड़ रहे हैं, यहाँ पे बच्चा लोग देख रहा है, देखिएगा या भयानक अभी आवाज करेगा। तो यहाँ पे आग लगाते हुए और इसको ऊपर करना है, अभी आवाज इसमें काफी बेहतरीन आएगा। तो ये लाइसेंसी हथियार है हमारे गांव का, आतिशबाजी ऐसे होता है हमारे गाँव में। ये देखिए गाइस, अभी खेला जाएगा हम लोग के घर में हुक्का पाती। तो चलिए अभी दिखाते हैं आपको कैसे खेला जाता है हुक्का पाती। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट हुक्का पाती की ओर खेलने के लिए। दीप उप जला दिए पूरा घर में। तो चलिए तो अभी जा रहे हैं हम लोग हुक्का पाती खेलने के लिए। वो दिखाते हैं आपको तुलसी पिंडा और यहाँ से जलाना है हुक्का पाती। दिखाते हैं कैसे और क्या बोलना है। बोला जाता है हुक्का पाती लक्ष्मी घर, हुक्का पाती लक्ष्मी घर दलित दरबार, हुक्का पाती लक्ष्मी घर दलित दरबार। तो ऐसे होता है गांव में दिवाली। तो देखिए अभी सब लोग कूदेगा इधर से। तो हो गया है यहाँ दिवाली। तो अभी आतिशबाजी थोड़ा होना चाहिए। अभी देखिए अभी दो नलिया में हम लोग थोड़ा फायर करेंगे। तो ये देखिएगा अभी साउंड क्या गजब का होगा। ऊपर कीजिए। फिलहाल अभी जा रहे हैं हम लोग प्रणाम करने। तो चलिए अभी चलते हैं। हम हैं अंकित, चाहे अमर भी आए पीछे, बच्चा लोग है सभी यहाँ पे। तो हमारे अंकल जी हैं यहाँ पे। मस्त रहो, अपनी तरफ भाग लगा दीजिए। दिवाली का आशीर्वाद लेते हुए सभी से, तो अभी जा रहे हैं हम अपने चाची जी को प्रणाम करने और उनसे आशीर्वाद लेने। तो चलिए आते हैं उधर से। दीपावली हाँ, बस दो मिनट में आ रहे हैं। तो अभी जा रहे हैं हम लोग बड़ी मम्मी के यहाँ। चलिए आज मिलाते हैं हम अपने बड़े बाबा से। अरे बाबा आगे आगे जा रहे हैं। ये अंकित चचा और ये अमर भैया है। तो ये दादी माँ मेरी बैठी हुई है। तो चलिए हम अभी मिलाते हैं सौरभ भैया से। सौरभ भैया, पूजा पाठ चालू है सौरभ भैया का। ये देखिए, हैप्पी दीपावली बिट्टी दी और सौरभ भैया। चलिए अभी बड़ी मम्मी को प्रणाम किया जाए। तो ये पेड़ा मिल गया है खाने के लिए। चलिए चलते हैं और आगे हम लोग। तो सौरभ भैया का यहाँ हो रहा है थोड़ा सा निभाई पहुँचाई, देख लीजिए। ये देखिए लड़का शर्मा रहा है। और ये इसका छोटा सा घर, नीचे वाला इसका प्लॉट है, ऊपर वाला मंदिर है। तो चलिए अभी चलते हैं। ये मेरी दादी है बड़ी वाली। अंकित चा, ओ फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं फिर से सुंदरम जी के घर पे। तो चलिए सुंदरम से मिलाते हैं। ये है अपना सुंदरम। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो आप सभी को भी हैप्पी दिवाली सुंदरम जी की ओर से। चलिए अभी हम चाह गए हैं यहाँ। ये चुटकी, हैप्पी दीपावली चुटकी। हाँ बाबा हमारे बैठे हुए हैं, बाबा जी का आशीर्वाद ले लेते हैं फिलहाल। चाची चाची कहाँ छो। चलिए चाची जी से मिलते हैं फिलहाल। हैप्पी दिवाली। फाइनली हम लोग का हो चुका है प्रणाम। सभी घर में हम लोग कर लिए प्रणाम। तो अभी जा रहे हैं फिलहाल मंदिर। हेलो दोस्त। हेलो दोस्त, ये हमारे विशाल जी, हमारे मित्र। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दीपावली, हैप्पी दीपावली, हैप्पी दीपावली। चलिए जा रहे हैं फिलहाल हैप्पी दीपावली। यहाँ पे सभी लोग जा रहे हैं फिलहाल मंदिर। मंदिर में दर्शन करेंगे, कुछ माता रानी से आशीर्वाद लेंगे। चलिए अभी जाते हैं। और हमारे छोटू भैया भी आज आए हुए हैं कटिहार से। तो अब पूरा छठ पूजा तक ये हमारे ब्लॉग में आपके साथ रहेंगे। तो अभी चलते हैं फिलहाल मंदिर। ये पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण। तो गाइस हो चुका है रात, दिवाली बन चुका है। हम लोग अब जा रहे हैं खाना खाने। काफी टाइम हो चुका है और खाने
बैठ चुके हैं। खाना में आज चावल, झोड़वड़ी, पापड़, आलू, गोभी का सब्जी और ये झूठी बोलते हैं बैगन का है और ये करेली का सब्जी है और आइटम कुछ है रेडी हो रहा है। तब तक हम खाना फिनिश करते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ मजेदार वीडियो के साथ।